बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का ही फर्स्ट लेसन जो चल रहा था हमारा, पावर शेयरिंग। उसी के आगे यानी कि केस ऑफ श्रीलंका, क्यों? क्योंकि बेल्जियम हमने पहले ही पढ़ लिया है। पावर शेयरिंग डिजरेबल क्यों है वो भी हमने पढ़ लिया है। तो आज हमारा पहला टॉपिक है केस ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका लोकेट कहाँ है? एशिया में लोकेटेड है, हमारी नेबरिंग कंट्री है, आइलैंड भी है साथ में। तो श्रीलंका क्या है? नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, आइलैंड है। इंडिया से कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है इसकी? 32 किलोमीटर, ठीक है। श्रीलंका की अगर हम बात करें कि श्रीलंका का जो एरिया है वो हरियाणा से क्या है? कम है। पॉपुलेशन भी हरियाणा से क्या है? कम है। इसको हम कम को अगर अप्रोक्स बोल दें तो गलत नहीं, क्यों? क्योंकि थोड़े का डिफर है, बिल्कुल थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए हम इसको अप्रोक्स भी बोल सकते हैं, लेस भी बोल सकते हैं। यानी श्रीलंका की पॉपुलेशन एंड एरिया बोथ इज लेस देन हरियाणा, दोनों क्या हरियाणा से कम है। श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज कब होता है? तो इमर्ज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री कब बनती है? 1948 में। इंडिया कब बनती है? 1947 में। इफ वी कंपेयर इंडिया एंड श्रीलंका, दोनों देशों को अगर हम कंपेयर कर लें तो वी फाउंड दैट द श्रीलंका एजुकेशन हेल्थ पर कैपिटा इनकम इज बेटर देन इंडिया। अगर हम कंपेयर करते हैं तो इंडिया की लिटरेसी रेट भी उतनी अच्छी नहीं है, पर कैपिटा इनकम तो बहुत ही कम है, साथ में हेल्थ फैसिलिटीज की तो हम बात ही ना करें तो बेटर है। बट श्रीलंका की जो हमसे एक साल बाद इंडिपेंडेंट होता है उसकी हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन मींस लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम क्या इंडिया से बहुत बढ़िया है। इवन एज जो हमारी एशियन कंट्रीज हैं उनमें श्रीलंका की बहुत अच्छी पोजीशन है। इंडिपेंडेंट कब होता है? उसके नेबरिंग में इंडिया है, श्रीलंका क्या है? आइलैंड है। साथ में श्रीलंका का एरिया क्या है? हरियाणा से कम है, और साथ में पॉपुलेशन हरियाणा से कम है। तो श्रीलंका का जो इतनी कॉम्प्लेक्स बेटा, इतनी कंपोजिशन वहां पे वो क्या है? 74% आर सिंघाला, क्या है? सिंघाला है। ये क्या स्पीकिंग करते हैं? इनकी लैंग्वेज है सिंगली। 74% आर सिंघाला एंड स्पीकिंग सिंगली। 18% आर तमिल्स। यहाँ पे 18% क्या है? तमिल है। इस 18% में ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो है श्रीलंकन नेटिव तमिल, श्रीलंकन नेटिव तमिल है 13%। जो श्रीलंकन नेटिव तमिल है कितने परसेंट है? 13%। इसी में इंडियन तमिल है, ये है 5%। मीन्स 18% आर तमिल्स, इन 18% 13% आर श्रीलंकन नेटिव तमिल्स एंड 5% आर इंडियन तमिल। बोथ आर स्पीक तमिल लैंग्वेज। दोनों कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल लैंग्वेज। अब इसको अगर निकालते हैं तो अप्रोक्स में 8% क्या होता है? 8% हमारे शेष हैं, तो अबाउट 7-8% आर क्रिश्चियन,
7 to 8% क्या है, क्रिश्चियन है, दे स्पोक तमिल एंड सिंघाला. 7 to 8% आर क्रिश्चियंस, दे स्पोक तमिल एंड सिंघाला. हियर वी फाउंड 74% आर सिंघालास, दे स्पोक सिंघली एंड दे बिलोंग बुद्धिस्ट. सेवेंटी फोर परसेंट क्या थे, सिंघाला थे, क्या बोलते थे सिंघली, और उनका रिलीजन क्या था, बुद्धिस्ट था. 18% क्या थे, तमिल थे. इस 18% में 13% श्रीलंका तमिल और 5% क्या थे, इंडियन तमिल. इसमें ये दोनों क्या थे, हिंदूज एंड मुस्लिम. सेवन टू एट परसेंट क्या थे, क्रिश्चियन थे. तो इनका तो रिलीजन सामने है, यानी यहां पे हमने चार रिलीजन की बात की है, साथ में हमने स्पीकिंग कितनी बात की, केवल दो स्पीकिंग की बात की है, फिर सिंघाला और दूसरी है तमिल. जो ये इंडियन तमिल है 5%, ये इंडियन तमिल फिन द कॉलोनियल पीरियड स्टार्टेड इन श्रीलंका. देन द फोर फादर्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वेंट फॉर एज अ प्लांटेशन वर्कर. ये जो 5% इंडियंस हैं, ये हिंदूज भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बट जब वहां पे फैक्ट्रीज लगना शुरू हुई थी, कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट होता है, इंडस्ट्रीज लगने लगी, तो जो तमिलनाडु के यानी वो जो कोस्टल एरियाज थे, वहां से जो भी हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज अ प्लांटेशन वर्कर आ जाते हैं श्रीलंका, तो ये क्या कहलाते हैं, इंडियन तमिल. अब यहाँ पे मेजोरिटी किसकी है, सिंघाला की है. जब मेजोरिटी सिंघाला की है और तमिल्स कंसर्न, जो श्रीलंकन तमिल्स थे, ये कंसंट्रेट कहाँ थे, नॉर्थ ईस्ट पार्ट पे. नॉर्थ ईस्ट पार्ट श्रीलंकन तमिल कहाँ कंसंट्रेट थे, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में. इतना क्लियर हो गया. यहां पे क्या क्वेश्चन आएगा, एक आएगा कि श्रीलंका इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. अगर आ जाए इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, तो सबसे पहले 74% आर सिंघालास, 18% आर तमिल्स, 13% आर श्रीलंकन तमिल्स, 5% आर इंडियन तमिल्स, 7 to 8% आर क्रिश्चियन. ये 3 marks का क्वेश्चन है इतना केवल. इसी में और भी लिख सकते हो कि सिंघालास आर सिंग्लिश, सिंघालास आर स्पीकिंग सिंग्लिश एंड देयर रिलीजन इज बुद्धिस्ट, तमिल्स आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दे स्पोक तमिल, क्रिश्चियंस आर स्पोक बोथ लैंग्वेजेस तमिल्स एंड सिंघाला. इतनी कंपोजिशन हो गया श्रीलंका का, उनकी लैंग्वेज हो गई, उनका क्या रिलीजन था ये भी हो गया. तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हुआ हमारा कि जो मेजोरिटी थी वो किसकी थी, वो थी सिंघाला की 74%. अब यही पे जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी उसने क्या स्टेप लिया, उसने स्टेप लिया मेजोरिटिज्म. इसका यूज किया उसने, यानी ये क्या है कि व्हेन अ मेजोरिटी कम्युनिटी, ये मेजोरिटी से बना है, यहां पर ध्यान दो, ये मेजोरिटी मींस अ कम्युनिटी आर अ टाइप्स ऑफ पीपल हुज नंबर इज मैक्सिमम इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स. एक दो को बैठा दिया जाए और वहां पे एक तरह के लोग की संख्या ज्यादा और एक तरह के लोग की संख्या क्या हो, कम, तो उसी को क्या बोलते हैं, मेजोरिटी. तो यानी यहां पे भी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, मेजोरिटी ने, यानी अ मेजोरिटी कम्युनिटी कैन रूल ओवर द कंट्री विद इग्नोरेंस ऑफ माइनॉरिटीज. डेमोक्रेसी में एक डिफिनीशन है बहुत छोटी सी, वो यहां से भी
चल जा रही है बहुत आसानी से। वो डेमोक्रेसी की छोटी सी डिफिनेशन है, वो ये है अ मेजॉरिटी नीड्स ऑलवेज अ माइनॉरिटी। मेजॉरिटी कभी अपने आप नहीं बनती, माइनॉरिटी से बनती है। क्यों? मेजॉरिटी में सपोज एक पार्टी में 10 पीपल्स हैं, पर्सन्स हैं, तो हम उसको मेजॉरिटी बोल देते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरे में 5 हैं तो वो भी मेजॉरिटी है, बट दोनों को कंपेरिजन करते हैं तो मेजॉरिटी 10 पीपल्स वाली पार्टी बनती है। लेकिन वो 10 पीपल्स 1-1-1 करके आए हैं, यानी माइनॉरिटी टू मेजॉरिटी, यानी मेजॉरिटी ऑलवेज नीडेड अ माइनॉरिटी। तो यहां पे भी वही सेम था कि श्रीलंकन गवर्नमेंट को माइनॉरिटी को लेके चलना चाहिए था, मींस जिसके नंबर्स कम थे उसको भी लेके चलना था, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया, मेजॉरिटी ने मिस्टेक लिया, यानी अ मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल ओवर द कंट्रीज सच एज द पॉलिसीज प्रोग्राम्स एवरीथिंग फॉर्म्ड ओनली फॉर मेजॉरिटी कम्युनिटी। देखो यहां पे क्या हो रहा, यानी अप्रॉक्स 26% पॉपुलेशन वर डिक्लाइंड आर डिस्क्रिमिनेट बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इतने परसेंट पॉपुलेशन को क्या किया, एक तरह से डिस्क्रिमिनेट किया। और इसमें मेजॉरिटी था क्या, सबसे पहले श्रीलंकन गवर्नमेंट एक्ट 1956 लागू, एक्ट 1956। अब इस एक्ट से क्या होता है, सिंगली बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज, ये बिकेम ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज है, आप ध्यान दें, बिकेम ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज विद इग्नोरेंस ऑफ तमिल्स। तमिल्स को पूरी तरह से क्या किया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनको डिनाई किया गया, इग्नोर किया गया, ये हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या लिया गया, पॉलिसीज प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी एडमिशन यूनिवर्सिटी पोजीशन गवर्नमेंट जॉब्स पहला तो स्टेप लिया गया एक्ट 1956। बाय दिस एक्ट द सिंगली बिकेम ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट स्टेप गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी एडमिशंस यूनिवर्सिटी पोजीशंस गवर्नमेंट जॉब्स ओनली फॉर सिंघाला कम्युनिटी। ये लो मींस 26 को पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इसी में एक और स्टेप जोड़ दिया, गवर्नमेंट स्टिपुलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसमें क्या हुआ कि यानी कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पॉइंट ऐड किया गया, वो पॉइंट क्या था, बुद्धिस्ट बिकेम ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका। इस तरह क्या हुआ, बुद्धिस्ट में श्रीलंका का क्या बन गया, ऑफिशियल रिलीजन। यहां पे ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, कैसे आता है कि हाउ द श्रीलंकन गवर्नमेंट यूज द स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो ये श्रीलंकन गवर्नमेंट को लगता है कि उसने इस स्टेप के माध्यम से, यानी बाय दिस स्टेप द श्रीलंकन गवर्नमेंट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ श्रीलंका, यानी उसने मेजॉरिटीनिज्म का स्टेप लिया था। लेकिन बेल्जियम ने क्या लिया था, इक्वल पावर शेयरिंग, इक्वल पावर शेयरिंग। यानी 3 नंबर का क्वेश्चन है, पहले क्या, एक्ट 1956 सिंहली बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज,
with ignorance of Tamils. The government formed preferential policies, programs, university admissions, university positions and government jobs only for Sinhala communities. Next, government stipulated the constitution. गवर्नमेंट ने तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन में नया पॉइंट एड किया. बुद्धिस्ट बिकेम ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका. यानी ये क्या बन गया, गवर्नमेंट रिलीजन. जब गवर्नमेंट रिलीजन बन गया देन द गवर्नमेंट पोस्टर बुद्धिस्ट. यहां पे एक एक्स्ट्रा अभी लेके चलते हैं तुमको. गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कि बुद्धिज्म बिकेम ऑफिशियल रिलीजन. यानी यहां पे ये क्लियर हो गया कि श्रीलंका क्या है हमारी सेकुलर स्टेट नहीं है. अब सेकुलर स्टेट क्या होता है, सेकुलर स्टेट अभी जो समझ लो थोड़ा सा. व्हेन एनी कंट्री डज नॉट प्रैक्टिस एनी रिलीजन एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट डज नॉट फोस्टर एनी रिलीजन प्रोपगेशन कंसाइंस. यानी जिस कंट्री में किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल न डिक्लेयर किया गया हो वो कंट्री होती है सेकुलर स्टेट. क्या जब ये एक्ट हुआ होगा एक्ट 1956 क्या तमिल्स शांत रहे होंगे? नहीं. दे आल्सो वाइज्ड टू तमिल्स डिक्लेयर एज ऑफिशियल लैंग्वेज. ऐसा नहीं है कि सिंहली जो है श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. तमिल्स भी ऑफिशियल लैंग्वेज है लेकिन कब बनती है, वहां पे एक एक्ट लाया जाता है एक्ट ऑफ 1958. पास्ट कब हुआ 1987. देन तमिल्स आल्सो बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज. इस तरह तमिल्स क्या होती है ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है. बट 1987 और यहाँ पे एक्ट ऑफ 1956 यानी कि एज इंडिपेंडेंट कंट्री जैसे श्रीलंका बनती उसी समय आ गया. अब यहाँ पे देखो कि एक्ट 1956 से सिंहला क्या बन गई यानी सिंधी बन गई ऑफिशियल लैंग्वेज. गवर्नमेंट अगर केवल यहाँ पे आप ध्यान दो कि किसी भी कंट्री में अगर गवर्नमेंट फॉर्म पॉलिसीज प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी एडमिशन गवर्नमेंट जॉब्स अदर थिंग्स ओनली फॉर अ मेजोरिटी कम्युनिटी नॉट अ माइनॉरिटीज देन व्हाट विल बी रिजल्टेड. रिजल्ट क्या सामने आएगा, द रिजल्टेड विल एज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज डिस्क्रिमिनेटेड. यानी दोनों कम्युनिटीज में क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, रिसेंटमेंट होगा, स्ट्रेंड होंगे दोनों आपस में. और इवन एज जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फॉर्म ऑफ सिविल वॉर भी हो सकता है. तो यहां पे क्या किया पॉलिसी बनाई गई, किसी भी एक कमिटी को अगर पॉलिसी ना हो, पॉलिसी प्रोग्राम बनाता कौन है, गवर्नमेंट बनाती है. क्योंकि प्राइवेट का काम क्या है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल आर अ फैमिली. यानी प्राइवेट तो हमारे लिए पॉलिसी प्रोग्राम वेलफेयर नहीं बनाएंगे, बट कौन बनाएगा, गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट यहां क्या कह रही है, पॉलिसी प्रोग्राम किसके लिए, केवल सिंघाला के लिए. यूनिवर्सिटी में एडमिशन किसको मिलेगा, सिंघाला. यानी पढ़ने हाई एजुकेशन नहीं मिलेगी. फिर यूनिवर्सिटी में जो नौकरी होती है यानी लेक्चरर्स एसोसिएट प्रोफेसर्स असिस्टेंट्स एंड प्रोफेसर्स वो भी कौन बनेगा, केवल सिंघाला. गवर्नमेंट जॉब किसको मिलेगी, सिंघाला को. प्राइवेट तो वैसे भी मेजोरिटी ही कम्युनिटीज की होती है या फिर जो वेल्थियर सोसाइटी होती है उन्हीं की होती है कि नहीं. तो जो गवर्नमेंट के माध्यम से मिलना चाहिए था वो भी क्या हुआ, नहीं मिला. फिर इन्हें इससे प्रॉब्लम नहीं थी, इन्हें इस वाले पॉइंट से इतनी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी. क्या इन्हें प्रॉब्लम इससे थी कि सिंघाला के साथ साथ तमिल्स को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और ये सारी पॉइंट्स हमें भी दे जाए यानी मीन्स तमिल्स को. तो जब ये सब होगा तो क्या शांत बैठोगे, केवल ध्यान दो, क्या शांत बैठोगे तो रिजल्ट आएगा, नो सर. तो बेटा अब यहीं पे रिवाइंड करो, तुरंत इंडिया आ जाओ वापस. तो इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया में भी तो यही हुआ था ना, जिस कंट्रीज के साथ ये हुआ था, पॉलिसीज प्रोग्राम यूनिवर्सिटी एडमिशन यूनिवर्सिटी पोजिशन गवर्नमेंट जॉब्स इवन एज दे बिकेम अनटचेबल्स दे बिकेम डिस्क्रिमिनेटेड. यानी उनके साथ क्या किया गया, वो इसीलिए बन गए थे,
बना दिए गए कि ये अनटचेबल्स हैं, ये डिस्क्रिमिनेटेड है, इनको एजुकेशन नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं. रिजल्ट क्या हुआ? दे ऑल्सो स्टार्टेड द मूवमेंट्स. उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया. दे ऑल्सो अपोज द कास्ट सिस्टम, कास्टिज्म. उन्होंने इसका भी क्या किया? अपोज किया. जैसा कि श्रीलंका में हुआ. देखते जाओ, कोई डिफर नहीं है, कोई भी डिफर नहीं है, सेम है. जब श्रीलंका में ये हुआ तो तमिल्स ने फॉर्म किया क्या, सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज एंड एसोसिएशंस टू डिमांडिंग गवर्नमेंट जॉब्स, यूनिवर्सिटी एडमिशंस, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, पॉलिसीज. यानी उन्होंने भी डिमांड किया कि हमको भी दिया जाए. एंड तमिल्स आल्सो डिक्लेयर एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज. तमिल्स को क्या किया जाए? ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए. दे आल्सो डिमांडेड, इन्होंने एक और डिमांड की. वो डिमांड क्या थी? हमने शुरू में बताया था कि जो नॉर्थ और ईस्ट पार्ट है वहां पे श्रीलंकन नेटिव क्या थे? मेजोरिटी में थे. तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो तमिल इलम गवर्नमेंट बनाना चाहते थे. कहां पे? जहां पे उनकी मेजोरिटी थी, यानी नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में. नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में क्या थी? उनकी मेजोरिटी थी. ठीक, जो मेजोरिटी थी वहीं पे वो क्या बनाना चाहते, तमिल इलम. इनकी ये डिमांड को भी क्या किया? डिनाई कर दिया गया. अब जब उनकी सारी डिमांड को डिनाई कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा? उन्होंने फॉर्म किया एक पार्टी. उस पार्टी का नेम है लिट्टे. ई से क्या हो गया? इलम. टी से क्या हो गया? तमिल. इससे क्या हो गया? टाइगर्स. इससे क्या हो गया? लिबरेशन. यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम. लिट्टे ने क्या किया? पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया, अपने डिमांड्स को और ज्यादा अलग वे में ले गए. यानी उनकी डिमांड्स को वो क्या किए, लगातार फोर्सली गवर्नमेंट पे प्रेसराइज करने लगे. रिजल्ट द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सिंघालास एंड तमिल्स एज रिजल्टेड अ सिविल वॉर. लो, मैंने क्या कहा कि पहले डिस्क्रिमिनेशन होता है, मूवमेंट चलाए जाते हैं. वो मूवमेंट जो चलने लगता है तो जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है उसे लगता है कि यार अब मूवमेंट से इनको शायद बेनिफिट मिल जाएगा. तो वहां पे रिसेंटमेंट होने लगता है, कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है. और वो कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे किसका फॉर्म बनता है? सिविल वॉर. यानी हमने देखा कि जो श्रीलंका एक पीसफुल कंट्री थी, पीसफुल कंट्री, एक इस स्टेप से, यानी मेजोरिटीज स्टेप से वो टर्मोइल हो गई. किस तरफ? सिविल वॉर की तरफ. यानी वायलेंस कंट्री. आज भी श्रीलंका में तमिल इशूज रेज हो रहा है. यानी होता क्या है कि जब यहां के जो तमिल्स उधर जाते हैं, इनकी बोट को कैप्चर कर लिया जाता है, उन्हें इम्प्रिजन कर दिया जाता है. जब उधर से कोई फिशरमैन आता है तो वही सेम इंडियन करते हैं. आज भी तमिल इशूज जो है श्रीलंका में रेज है. यानी हमने देखा कि एक छोटा सा गलत स्टेप, रिजल्ट क्या हुआ? पूरा श्रीलंका टर्मोइल हो गया एज अ वायलेंस, एज अ सिविल वॉर. जबकि बेल्जियम में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने इतना बेहतरीन स्टेप लिया कि वो पीसफुल, यानी इक्वल प्रपोजल लाया. यहां पे भी तो वही किया जा सकता था ना, 50-50 का ये कर देते तो क्या ये कंट्री पीसफुल नहीं बन सकती थी? पीसफुल छोड़ो, आज इस डेट पे, यानी इन 2020 उसकी लिटरेसी रेट हमसे अधिक है. यानी हमारी पर कैपिटा इनकम से अधिक है. हेल्थ फैसिलिटीज इंडिया से बेटर है श्रीलंका की. सोचो अगर मेजोरिटीज बनाया होता तो उसकी पर कैपिटा इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन स्टैंडर्ड किस लेवल का होता? ये हो गया. अब सिविल वॉर क्या है? When the two communities quarreling or fighting for some issues in a region and the influence is spread in many regions. जब दो कम्युनिटीज किसी एक इश्यूज को लेके आपस में लड़े और उसका असर बहुत सारे रीजन से हो जाता है
तो उसी को हम सिविल वॉर बोलते हैं। तो यानी थोड़ा सा इशू हुआ और पूरी कंट्री में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पे ध्यान देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। मे बी अगर एज अ ह्यूमन एक अच्छे मनुष्य की तरह इसको सोचोगे तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा कि इंडिया की जो पावर शेयरिंग है सही है या गलत है। इस पावर शेयरिंग में ही तुम्हें एक रिजर्वेशन वर्ड आएगा, उसका भी तुम्हें सलूशन मिलेगा। बट एज अ ह्यूमन सोचना है, क्यों? क्योंकि बेल्जियम तुमने पढ़ लिया है, श्रीलंका तुमने पढ़ लिया है, अब तुम्हें अपनी कंट्री के बारे में ध्यान देना है, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में तो सबसे पहले दो बड़े फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होती है, एक है हॉरिजॉन्टल और दूसरी है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो यहां पे हमें गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स मिले हैं, हमें गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स मिले हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। ये जल्दी आता नहीं है एग्जाम में, जल्दी आता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये केवल नॉर्मली आना चाहिए, बस ये एग्जाम में जल्दी नहीं आएगा। यहां पे हॉरिजॉन्टल हम इसे क्यों कहते हैं ये ध्यान देना है। इसे हम हॉरिजॉन्टल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बोथ चेक द वर्क्स एंड फंक्शंस ऑफ अदर्स। लेजिस्लेटिव क्या करता है? देख, हमने कहा ना, ये सभी एक दूसरे के काम फंक्शंस को और उनके वर्क को चेक करते हैं। लेजिस्लेटिव लॉ पास करता है, पास किया कहां आया? एग्जीक्यूटिव के पास। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? उसको इंप्लीमेंटेड कराता है पूरी तरह से, इंप्लीमेंटेशन होता है। और जुडिशरी क्या करता है? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के वर्क को क्या करता है? चेक करता है। यानी इसको जस्टिस देता है। कैसे? लेजिस्लेटिव सबसे पहले क्या हुआ, किसी भी बिल पे डिस्कस करता है, डिबेट करता है और उसके लिए क्या बनाता है? लॉ बनाता है। इसके अलावा कोई कर सकता है? नहीं। अब यहां से कोई बिल पास हो गया, ये लॉ नहीं बेटा, यहां पे बिल करते हैं। कोई बिल पास हुआ तो पास होने के बाद एग्जीक्यूटिव क्या करता है? उसको चेक करता है कि कहीं ऐसा नहीं अभी कमी रह गई है। चेक करने के बाद क्या करेगा? वो बैलेंस करता है, यानी जहां गड़बड़ी है उसको सही करता है। इसके फिर इसके बाद जुडिशरी पहुंचता है। जुडिशरी कब? जब उसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों काम कर लेंगे, तो ऐसा ना हो किसी सिटीजन्स का या किसी स्टेट का, कंट्री के किसी स्टेट्स का राइट्स इफेक्ट हो रहा हो। जब राइट्स इफेक्ट होगा तो उसका डिसीजन कौन देगा? जुडिशरी। यानी जुडिशरी क्या? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बट जुडिशरी के फंक्शन को कौन चेक करता है? लेजिस्लेटिव। और चेक करने के बाद क्या होगा? जाहिर बात, जहां गड़बड़ी होगी उसको बैलेंस किया जाता है। इसीलिए हॉरिजॉन्टल पावर इज आल्सो नोन एज चेक एंड बैलेंस। वन मास्ट आता है, विच पावर इज नोन एज चेक एंड बैलेंस, तो लिखना है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये हो गया। फिर वर्टिकल क्या है? वर्टिकल को ही हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी यहां पे सबसे अप रहेगी सेंट्रल, स्टेट, इंडिया में तो थर्ड लेवल की भी है उसे बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। यानी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को ही हम बोलते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? मोर देन वन गवर्नमेंट इन अ कंट्री। देश के अंदर जब एक से अधिक लेवल की सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, तो उसी को बोलते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री, इट रिलेटेड टू नेशनल इश्यूज सब्जेक्ट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए होती है? पूरे देश के लिए होती है। ये कैसे सब्जेक्ट्स पे काम करती है? नेशनल रिलेटेड सब्जेक्ट। स्टेट
कंट्रोल्ड बाय चीफ मिनिस्टर्स, यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स, और कुछ कंट्री में प्रेसिडेंट भी है, हमारे यहाँ बोथ है, बट कंट्रोल कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। स्टेट में क्या है? कंट्रोल्ड बाय चीफ मिनिस्टर एज ए इंडिविजुअल स्टेट। यहाँ पे स्टेट के रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में सब्जेक्ट्स काम नहीं करेंगे। अगर यूपी गवर्नमेंट है तो यूपी के अंदर ही वो लॉ फॉलो होंगे। लोकल गवर्नमेंट के लॉ कौन बनाता है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, इनके लॉ ये दोनों बनाते हैं, लेकिन काम ये अपने तरीके से खुद करते हैं। यानी हम नेक्स्ट लेसन में, यानी जो हमारा फेडरलिज्म लेसन है, उस लेसन में हम इसी डिविजन पे डीपली स्टडी करेंगे। यानी एक फॉर्म ऑफ पावर चेंज हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल, और दूसरा क्या हो गया? वर्टिकल। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में अगला है हमारा एकदम छोटा सा, कोलिजन गवर्नमेंट। अब ये क्या है? हम देखते हैं कि बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन, इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद क्या होता है? व्हेन मोर देन टू पार्टी मेक अ अलायंस, ये क्या करते हैं? मेक एन अलायंस कर लेते हैं दो पार्टियां मिलके। दे कंटेस्टेड द इलेक्शन, मिलके भी इलेक्शन लड़ते हैं और कभी बाद में बना लेते हैं इलेक्शन के बाद जब उनको मेजोरिटी नहीं मिलती। तो इस सिस्टम को बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। व्हेन मोर देन वन पार्टी मेक एन अलायंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट नोन एज अ कोलिजन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी या यानी कोलिजन गवर्नमेंट में हमने पावर शेयर किया, कैसे किया? हमने दो तरीके की पार्टी शामिल की, यानी हमने दोनों को पावर शेयर किया, यानी एक तो जिसको ज्यादा सीटें मिली थी उसने और दूसरे को कम, यानी पावर शेयर हुआ। पॉलिटिकल पार्टी डिफिनेशन छोटी सी है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टूगेदर कंटेस्ट द इलेक्शन आफ्टर देन होल्ड द पावर एंड एग्रीड सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी। यानी लोगों का ग्रुप है जो क्या होते हैं, लोग साथ आ गए, साथ आने के बाद क्या करते हैं? कंटेस्ट द इलेक्शन, इलेक्शन होने के बाद क्या करेंगे? दे होल्ड द गवर्नमेंट, आफ्टर देन दे एग्रीड सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। यानी यहाँ पे बहुत सारे लोग जब आते हैं तभी तो पॉलिटिकल पार्टी बनती है। प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, प्रेशर्स, इसको केवल लोग तो नाम ही आ जा रहा, किसी को क्या करना है? दबाना है। दबाने का मतलब ये नहीं है कि हम जाए तो उसके ऊपर कूद जाए, हमें ये नहीं करना है, हमें केवल क्या करना है? टू प्रेशराइज टू एनीवन फॉर ओन इंटरेस्ट। एनीवन का मीन्स है कि जाहिर बात अपनी से बड़ी अथॉरिटी जो है उसी के ऊपर हम प्रेशराइज करेंगे। हो सकता है गवर्नमेंट हो सकता है घर हो सकता है बाहर हो, जिससे लगे कि हमें राइट मिल सकता है। यानी टू प्रेशराइज ऑन द गवर्नमेंट फॉर ओन इंटरेस्ट विद नॉन वायलेंस। यानी जब बिना कोई दंगा किए हुए, बिना कोई डिस्टर्ब किए हुए किसी को, हम जब अपने डिमांड को प्रेशराइज करते हैं तो इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। यानी इससे भी हम क्या करते हैं? पावर को शेयर करते हैं। मूवमेंट, मूवमेंट, इससे भी हम क्या करते हैं? पावर शेयर करते हैं। कैसे? सच एज एनबीए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की बात नहीं हो रही, नर्मदा बचाओ एसोसिएशन। यानी यहां पे क्या हुआ? मूवमेंट चलाया गया। नर्मदा रिवर के ऊपर जो डैम बन रहा था, सरदार सरोवर डैम, यानी वो उसके तहत क्या था? मेधा पाटेकर ने चलाया। किस लिए? यानी कि इन केस ऑफ द रिलीज ऑफ द वाटर, जब वाटर को रिलीज किया जाएगा, फिर द ओवरफ्लोड ऑफ वाटर इन द डैम, जब डैम में ओवरफ्लोड हो जाएगा वाटर तो उसको क्या किया जाएगा? रिलीज। देन अप्रॉक्स 4 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट वर सबमर्ज इन टू द वाटर एंड लैक्स ऑफ फ्लोराज एंड फनाज विल बी डिस्ट्रॉयड। यानी उन्होंने कहा कि जब ये वाटर छोड़ा जाएगा, कभी इस पे पानी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होगा, तो 4 लाख
हेक्टेयर जो है वो क्या हो जाएगा, फ्लोरा और फना सबमर्ज हो जाएंगे, यानी वो फ्लोरा और फना क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसके माध्यम से क्या हुआ, पावर शेयर हुई, गवर्नमेंट एग्री हुई कि वहां के जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं या फिर जो फ्लोराज फना है उनको क्या किया जाएगा, रिशेड्यूल्ड किया जाएगा, यानी उनके लिए भी एजुकेशन, यानी जो वहां कम्युनिटीज है उनके एजुकेशन के लिए, उनके लाइवलीहुड के लिए, उनकी जॉब के लिए वर्क होगा जो हुआ। सोशल ग्रुप्स के माध्यम से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको रोकते हैं थोड़ा सा, अभी हॉरिजॉन्टल और वहां पे हमने पावर शेयर नहीं किया है, वो इसी में आएगा सोशल ग्रुप में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जब हम सोशल ग्रुप्स के बात करते हैं तो हम तो सबसे पहले क्या है, हम बहुत सारे रिलीजन में डिवाइड है, उस रिलीजन में सभी की क्या है, कास्ट है, यानी हिंदू की स्पेशली हम बात करें, केवल हिंदू में लेके चलते हैं क्योंकि सभी का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि लाइक एज अ मुस्लिम डिवाइडेड इन सियाज एंड सुन्नी, सियाज सुन्नी आल्सो डिवाइडेड इन सब कास्ट, लाइक एज अ हिंदूज आर डिवाइडेड इन फोर क्लासेस, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, एंड दे आल्सो डिवाइडेड इन मैनी सब क्लासेस, ब्राह्मण आल्सो, क्षत्रिय आल्सो, वैश्य आल्सो, शूद्र आल्सो, यानी ये सभी क्या है, इनकी एक सब क्लास भी है, उसमें भी उस सब क्लास में एक अप है एक लो है, यानी पहले फोर क्लासेस एक अप एक लो बना दिया गया, फिर उसमें सब क्लासेस बना दी गई एक अप एक लो, यानी दे ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड इन द कास्ट टू इन सब कास्ट, कास्ट के अंदर जो सब कास्ट बनी है इसमें भी डिस्क्रिमिनेटेड है, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी तो हमने क्या किया है? जो सोशल ग्रुप है उस सोशल ग्रुप में, यानी ये सारी हमारी कास्ट हो गई, हमारे रिलीजन हो गए, हमारी स्पीकिंग्स हो गई, हमारी रीजनलिज्म हो गई, ठीक, यानी जितने भी तरह के हमारे डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे ध्यान देना, जितने भी तरीके के डिफरेंसेस हैं, चाहे वो कास्ट बेस पे हो, रिलीजन बेस पे हो, लैंग्वेज बेस पे हो, रीजन बेस पे हो, इन सभी से क्या किया गया, पावर शेयर किया गया, इन सभी से क्या किया गया, पावर शेयर किया गया है। कैसे, सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, वेन द गवर्नमेंट फॉर्म इन स्टेट गवर्नमेंट आर ऑल्सो इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब सरकारें बनती हैं, दे माइंडेड इन द इथनिक कंपोजिशन, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, रीजनलिज्म कंपोजिशन एंड ऑल्सो द रिलीजियस कंपोजिशन, चाहे केंद्र सरकार बनती, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वो माइंड में हमेशा रखती है कि हमें इतने ब्राह्मण बनाने हैं, इतने छत्री बनाने हैं, इतने वैश्य बनाने हैं, इतने शूद्र बनाने हैं, इतने मुस्लिम बनाना है, इतने बुद्ध बनाना है, जैन बनाना है, या फिर इतने जो ट्राइब्स हैं उनको बनाना है, या इस लैंग्वेज वाले को बनाना है, साथ में ईस्टर्न स्टेट जो है उनके भी मिनिस्टर्स को बनाना है, एल्स क्या होगा, हमारी एक डिस्प्यूटिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी दे फीलिंग एज अ डिस्क्रिमिनेशन, वो क्या फील करेंगे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, पावर शेयर कर दिया डिफरेंट ग्रुप में। उसी में जब हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे हमने कहा सेंट्रल, स्टेट, लोकल, और यहाँ पे बात की हमने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, हमने बता तो दिया कि यहाँ पे क्या होता है, क्या क्या काम होता है, लेकिन यहाँ पे ही सबसे इम्पोर्टेंट पावर शेयर की जाती है। हमें पास सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सोशल ग्रुप्स के माध्यम से पावर को शेयर किया जाता है, स्टेट बनती है तो सोशल ग्रुप, लोकल बनती है तो यहाँ पे भी हम लोग सोशल ग्रुप्स को माइंड में रखते हैं। पावर शेयर होती कहाँ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी तीन ऑर्गन, स्टेट के भी तीन ऑर्गन और लोकल के लिए अलग आगत नहीं होते, स्टेट जो गवर्नमेंट होती है इनके ऑफिसर्स एम्प्लॉयज क्या करते हैं, लोकल के लिए काम करते हैं। तो लेजिस्लेटिव जो है यहां पे हमने पावर शेयर किया, कैसे, यानी जो हमारे मिनिस्टर्स बनते हैं या एमपीज बनते हैं, एमएलएज बनते हैं, उसमें सभी को हमने रिप्रेजेंटेटिव का राइट दिया, यानी रिजर्वेशन दिया है, फिक्स किया है। यहां पे हम बात करेंगे तो वुमेन्स को रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिला है, यानी दे ऑल्सो फील एज अ डिस्क्रिमिनेशन, एज अ दे फील दे वर डिस्क्रिमिनेटेड, आज भी उनको डिस्क्रिमिनेटेड किया जा रहा है कहां पे, लेजिस्लेटिव पे।
यहाँ पे मेल को मिला है, सोशल ग्रुप्स के माध्यम से भी मिला है। क्यों मिला है? केवल ध्यान दो, पावर शेयर करना है ताकि कंट्री पीसफुल रहे। हम पीसफुल बनना चाहते हैं कि नहीं, ये हमारे ऊपर तय है। हम ये कहते हैं कि उन्हें दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। तो अगर नहीं दिया जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, खुद सोचो। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग होते हैं, यानी ये नौकरी वाला वर्ग है। यहाँ पे इम्प्लॉयमेंट होती है, जहां पे रिजर्वेशन, यहाँ पे रिजर्वेशन है दो जगह पे, समझना। ये बोथ प्लेसेस आर अंडर द रिजर्वेशन। अगर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा तो क्या वो पहुंचेंगे, और नहीं पहुंचेंगे तो क्या डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं हो रहा है, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो क्या वो मूवमेंट नहीं चलाएंगे, और मूवमेंट चलेगा तो हमें एक वर्ड फिर से मिलेगा, सिविल वॉर। आखिर बेल्जियम की जो डच पॉपुलेशन थी और फ्रेंच, वो भी तो किसी का लॉस हो रहा था, किसी का प्रॉफिट, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं हमें पीसफुल बनना है। तो यहां पे भी तो वही गवर्नमेंट ने किया कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, कि जिस सोसाइटी का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसको भी तो दिया गया ना राइट, और जिसका नहीं हुआ है उसको भी दिया गया। यानी कि फिर साथ में जुडिशरी ही तो चेक करती। अब यहां पे एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि ठीक है इस रिजर्वेशन को कैन बी फिक्स्ड एट अ लेवल, एक लेवल पे हम इसको फिक्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 50-50 का प्रपोजल होता है ना, 50 एक तरफ कर देते हैं, 50 एक तरफ, उस 50 में जो जितना अपना लड़ ले और जो जितना अपना लड़ ले। जैसे डच की बात करते हैं, डच की मेजोरिटी क्या थी, 59% ज्यादा थे, लेकिन 50 मिला, लॉस हुआ, लेकिन लॉस हुआ। चाहे जो तुम्हारी पॉपुलेशन ज्यादा हो या क्या हो, कम, इससे तुम्हारा लेना देना है, हमारा थोड़ा। फिर किसी की कम है तो वो उसका बेनिफिट है इसमें। तो हम इस प्रपोजल को स्ट्रिक्टली फॉलो करा सकते हैं, ये केवल इतना चेंजेस किया जा सकता है, एल्स पावर शेयरिंग का फॉर्मूला हमारी कंट्री में भी सिमिलर है, वर्ल्ड की तरह है, लेकिन वी आर नॉट ट्राइंग टू एक्सेप्ट, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं इसको एक्सेप्ट करने की। लेसन हमारा एंड हो गया, जिसे जो भी डाउट हो राइट इन द कमेंट बॉक्स विद इन टू और थ्री डेज आई विल मेक द डाउट्स एंड सोल्यूशन वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वेश्चंस। मुश्किल से 2-3 दिनों में ही मैं डाउट्स एंड सोल्यूशन वीडियो बनाऊंगा, जिसे जहां भी डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में लिखे।